दोस्तों, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे, वो भी बिना रुके टुके। तो इसी इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए आज हम इस क्लास में इस इंग्लिश की स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपको डेली यूज़ के बहुत से नए इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे, वो भी उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ। तो शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है द हैप्पी मैन। हैप्पी यानी कि प्रसन्न, सुखी, और मैन यानी कि आदमी। तो एक सुखी आदमी, एक खुश आदमी के बारे में ये कहानी रहेगी। फर्स्ट पैरा, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड, वहां रहता था अ वेरी रिच मैन, एक बहुत अमीर आदमी। ही हैड, उसके पास था अ बिग हाउस, एक बड़ा घर, एंड मैनी सर्वेंट्स, सर्वेंट होता है नौकर, मैनी यानी बहुत से। तो उसके पास क्या था, बहुत बड़ा घर था और बहुत से नौकर भी थे। ही ऑल्सो हैड, उसके पास और भी क्या था, अ लविंग फैमिली, यानी एक प्यारा सा परिवार। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही वॉज अनहैप्पी, कि वो खुश नहीं था, वो सुखी नहीं था। ही ऑलवेज, वो हमेशा शाउटेड, चिल्लाता था एट एवरीवन, यानी कि सभी पर, किस बात के लिए, फॉर नो रीजन, बिना किसी वजह के लिए वो सभी पर हमेशा चिल्लाता था, आई हैव एवरीथिंग, और इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए, यानी कि एक स्टेटमेंट आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, और ये आएगा हमारा प्रेजेंट टेंस में, आई हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है। बट लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं, मेक्स मी हैप्पी, यानी कि मुझे खुश करता है। इज देयर एनीथिंग, क्या कहीं कुछ ऐसा है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, दैट, जो, कैन मेक मी हैप्पी, जो कि मुझे खुश कर सके। ही ऑलवेज क्वेश्चन्ड हिमसेल्फ, तो वो हमेशा क्या करता था, खुद से ये सवाल पूछता था। वन डे, एक दिन, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, angrily, यानी कि बहुत गुस्से में, at his servants, यानी कि अपने नौकरों पर, और वो चिल्लाते हुए अपने servants को कहता है, why am I not happy, क्यों नहीं हूँ मैं, not happy, यानी कि खुश मैं क्यों नहीं हूँ। what should I do, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने के लिए, to be happy, यानी कि खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए। वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, तो उनके जो नौकर थे उनमें से एक ने सेड, यानी कि कहा, ओ माय लॉर्ड, मेरे मालिक, लुक एट द स्काई, आसमान की तरफ देखिए, द ब्राइट मून, चमकते हुए चांद की तरफ देखिए, एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स, और टिमटिमाते हुए तारों की तरफ देखिए, लुक एट देम, उनकी तरफ देखिए, एंड दे विल मेक, और ये सब क्या करेंगे, मेक यू वेरी हैप्पी, यानी करेंगे आपको बहुत ज्यादा खुश। ओ नो, अरे नहीं, आई कैन सी देम, मैं इन्हें देख सकता हूँ, ओनली एट नाइट, यानी सिर्फ रात के समय। सो वॉट विल, तो क्या, विल आई डू, मैं करूँगा, ड्यूरिंग डे टाइम, यानी दिन के समय के दौरान मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि बहुत रिच था, यानी कि अमीर था, और उसके पास एक बड़ा घर था, बहुत से नौकर थे, और उसके पास एक प्यारा सा परिवार भी था, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं था, वो हमेशा हर किसी पर बिना वजह चिल्लाता रहता था, और वो क्या कहता था, कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी मुझे खुश नहीं कर सकता, क्या दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो मुझे खुश कर सके, जो मुझे सुखी कर सके, वो हमेशा ये सवाल खुद से पूछा करता था। एक दिन उसने गुस्से में अपने नौकरों पर चिल्लाया और कहा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए। तो उसके नौकरों में से एक ने कहा कि मेरे मालिक, आसमान की तरफ देखो, चमकता हुआ चांद देखो, टिमटिमाते हुए तारे देखो, आप इनकी तरफ देखो और ये आपको बहुत खुश कर देंगे। अरे नहीं, मैं सिर्फ इन्हें रात के समय देख पाऊंगा, तो मैं दिन के समय क्या करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी ये इंसान खुश नहीं था अपनी जिंदगी से। नेक्स्ट,
देन तब अनदर सर्वेंट एक और नौकर ने सेड यानी कि कहा सर महोदय यू शुड लिसन टू आपको सुनना चाहिए क्या म्यूजिक यानी कि संगीत बिकॉज क्योंकि म्यूजिक मेक्स एवरीवन हैप्पी कि संगीत सबको क्या कर देता है सुखी यानी कि खुश कर देता है द मैन्स फेस बिकेम रेड तो अब जो ये आदमी था उसका जो चेहरा था वो बिकेम यानी कि हो गया था कैसे रेड यानी कि लाल विद एंगर यानी कि गुस्से में लाल उसका चेहरा हो गया था ओ नो अरे नहीं ही क्राइड वह चिल्लाया व्हाट अ सिली आइडिया कि कितना बकवास ये सुझाव है आई कांट लिसन टू कि मैं नहीं सुन सकता म्यूजिक यानी संगीत को फ्रॉम मॉर्निंग सुबह से लेकर टिल नाइट यानी कि रात तक डे आफ्टर डे दिन ब दिन यानी कि हर दिन मैं ये चीज नहीं कर सकता दिस इज द वर्स्ट आइडिया ये क्या है एक घटिया सुझाव है द सर्वेंट्स वेंट अवे तो ये जो नौकर थे वेंट अवे यानी कि वो वहां से चले गए एंड द मैन और जो ये आदमी था सैट इन हिज रूम वो अपने कमरे में बैठा था आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद अ सर्वेंट एक जो नौकर था वॉकड इन टू वो अंदर चलकर आया कहां द रूम यानी उस कमरे के अंदर आया एंड सेड और उसने कहा माय लॉर्ड मेरे मालिक आई थिंक मैं सोचता हूं आई कैन टेल यू समथिंग कि मैं आपको कुछ बता सकता हूं दैट जो विल मेक यू वेरी हैप्पी जो आपको क्या करेगा बहुत ज्यादा खुश करेगा व्हाट इज इट वो क्या है Ask the rich man, ये पूछा उस अमीर आदमी ने You must find, आपको अवश्य ही ढूंढना होगा a happy man, एक सुखी आदमी Take off his shirt और क्या करना पड़ेगा Take off यानी कि उतारना पड़ेगा निकालनी पड़ेगी his shirt यानी कि उसकी कमीज and put it on और उसे पहनना होगा Then तब his happiness उसकी जो खुशी है उसका जो सुख है will come वो आ जाएगा into you यानी कि आप में and और you will be और आप क्या हो जाएंगे as happy as he उसके जितने ही खुश आप भी हो जाएंगे द मैन तो अब जो ये अमीर आदमी था लाइक्ड हिज आइडिया उसे पसंद आया था उसका ये सुझाव वेरी मच यानी कि बहुत ज्यादा व्हाट अ नाइस आइडिया कितना शानदार ये सुझाव है कितना अच्छा ये सुझाव है आई विल रिवॉर्ड यू तो रिवॉर्ड होता है दोस्तों किसी को इनाम देना तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा इफ इट वर्क्स कि अगर ये काम करता है तो सेड द रिच मैन ये उस अमीर आदमी ने कहा तो दोस्तों ये अमीर आदमी खुश होना चाहता था तो एक नौकर ने उसको कहा कि आप चांद देखो तारे देखो टिमटिमाते हुए लेकिन ये भी वो कहता है कि मुझे सिर्फ रात के समय खुश कर पाएंगे तो दिन के समय मैं क्या करूंगा तो ये दूसरा नौकर है वो कहता है कि आपको सुनना चाहिए संगीत को क्योंकि संगीत सभी को खुशी देता है सबको खुश कर सकता है तो अब ये आदमी का जो चेहरा है ये गुस्से में एकदम लाल हो जाता है वो कहता है अरे नहीं ये चिल्लाते हुए और कहता है कि ये कितना बकवास सा सुझाव है मैं नहीं सुन सकता संगीत को सुबह से लेकर शाम तक और वो भी दिन प्रति दिन और ये क्या है एक घटिया विचार है घटिया आपका ये सुझाव है तो वो जो नौकर थे वो चले गए थे वहां से और वो जो अमीर आदमी था वो अपने कमरे में बैठा था कुछ समय के बाद एक और नौकर उसके कमरे में आता है और कहता है मेरे मालिक मैं सोचता हूं कि मुझे आपको कुछ बता देना चाहिए जो कि आपको बहुत खुश कर देगा तो जब ये अमीर आदमी पूछता है कि वो क्या है तो वो बताता है कि आपको अवश्य ही ढूंढना पड़ेगा एक सुखी आदमी उसकी कमीज उतारनी पड़ेगी और वो आपको पहननी पड़ेगी तब जो उसकी खुशियां हैं वो भी आपके अंदर आ जाएंगी और आप भी उतने ही खुश हो जाएंगे जितना कि वो होगा तो अब इस आदमी को ये विचार ये सुझाव बहुत पसंद आता है वो कहता है कि कितना शानदार कितना अच्छा ये सुझाव है मैं तुम्हें इनाम दूंगा अगर ये काम करेगा तो ये कहता है वो अमीर आदमी नेक्स्ट डे अगले दिन द मैन ये जो अमीर आदमी था सेंट यानी कि ये भेजता है ऑल हिज सर्वेंट्स अपने सभी नौकरों को क्या करने के लिए टू फाइंड यानी कि ढूंढने के लिए खोजने के लिए अ हैप्पी मैन यानी कि एक सुखी आदमी
इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये क्या था, एक बहुत मुश्किल काम था फॉर देम, यानी कि उनके लिए, उसके नौकरों के लिए. दे डिडंट नो, वे नहीं जानते थे. हाउ टू चेक, कि कैसे जांच की जाती है, परखा जाता है किसे, द हैप्पीनेस यानी खुशियों को, सुख जो होता है उसे कैसे, इनसाइड अ पर्सन यानी एक इंसान के अंदर, उसके भीतर. बट लेकिन, दे कुड नॉट, वे नहीं कर सकते थे, डिनाई यानी कि मना करना, देयर मास्टर्स ऑर्डर, अपने जो मालिक हैं उनके आदेश को, इधर यानी कि भी. दे वॉक्ड, वो चले, फॉर 4 days, 4 दिनों तक, इन सर्च ऑफ यानी कि तलाश में, अ हैप्पी मैन, एक सुखी इंसान की तलाश में. ऑन द 5th day यानी कि 5वें दिन, वन ऑफ द सर्वेंट्स, उन नौकरों में से एक ने सो यानी कि देखा, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, इन द विलेज, एक गांव में, सेइंग यानी कि कहते हुए, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन, कि मैं सबसे सुखी आदमी हूँ इन द वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में. ही केप्ट सेइंग, वो यह लगातार कहता जा रहा था, दोज वर्ड्स यानी कि इन शब्दों को, कौन से शब्द, कि मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ. ऑल द सर्वेंट्स, जो सभी नौकर थे, वर हैप्पी, वो खुश थे. क्यों खुश थे, टू फाइंड यानी कि ढूंढ पाने पर, अ हैप्पी मैन यानी कि एक सुखी आदमी. दे ब्रॉट हिम, वो उसे लेकर आए, कहाँ, टू द रिच मैन्स हाउस यानी कि उस अमीर आदमी के घर पर, उसके नौकर उस आदमी को लेकर आए. तो दोस्तों, अब हमें पता चला कि उस अमीर आदमी ने अगले ही दिन अपने सभी नौकरों को एक सुखी आदमी को ढूंढने के लिए भेज दिया, और ये उन सब नौकरों के लिए एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि किसी इंसान के भीतर के सुख को कैसे जांचा जाता है. लेकिन वो अपने मालिक के आदेश को भी मना नहीं कर सकते थे, तो वे 4 दिनों तक एक सुखी इंसान की तलाश में चले, और 5वें दिन उन नौकरों में से एक ने एक गांव में एक गरीब आदमी को ये कहते हुए देखा कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं, और ये वो शब्द लगातार दोहराए जा रहा था, और जो सभी नौकर थे वो बहुत खुश थे एक सुखी आदमी को पाकर, और वे उस आदमी को कहां ले आए, उस अमीर आदमी के मकान पर ले आए. लास्ट पैरा, द रिच मैन, तो अब जो ये अमीर आदमी था, वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू ब्रिंग यानी कि लाने के लिए, द पुअर मैन, उस गरीब आदमी को, इनटू हिज रूम यानी कि अपने कमरे में. द पुअर हैप्पी मैन, तो वो जो गरीब सुखी आदमी था, विद अ लिटिल स्माइल, एक छोटी सी मुस्कान के साथ, केम अप, वो आता है टू द रिच मैन यानी कि उस अमीर आदमी के सामने. द रिच मैन, तो अब जो ये अमीर आदमी है, लुक्ड एट हिम, वो देखता है उसकी तरफ, एंड और सो दैट, और उसने देखा कि द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया का जो सबसे सुखी आदमी है, हैड नो शर्ट ऑन, उसने क्या नहीं पहना था, उसने कमीज नहीं पहनी थी. द रिच मैन, तो अब जो ये अमीर आदमी है, रियलाइज्ड, उसे महसूस होता है दैट, कि टू बी हैप्पी यानी कि खुश होने के लिए, बीइंग रिच यानी कि अमीर होना, एंड और हैविंग अ बिग हाउस, और एक बड़ा घर होना, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है. टू बी हैप्पी यानी कि खुश होने के लिए, अ पर्सन शुड बी, एक इंसान को क्या होना चाहिए, हैप्पी एट हार्ट यानी कि दिल से सुखी होना चाहिए, दिल से ही खुश होना चाहिए. तो दोस्तों, अब जो ये अमीर आदमी था, ये बहुत खुश था, और उसने आदेश दिया अपने नौकरों को कि वो उसके कमरे में उस गरीब आदमी को लेकर आए, और ये जो गरीब सुखी आदमी था, वो छोटी सी मुस्कान के साथ इस अमीर आदमी के सामने आता है, और ये जो अमीर आदमी है उसकी तरफ देखता है कि ये जो दुनिया का सबसे खुश इंसान है, उसने क्या नहीं पहनी थी, कमीज नहीं पहनी थी. और अब ये अमीर आदमी महसूस करता है कि खुश होने के लिए, अमीर होना, एक बहुत बड़ा
मकान होना ज़रूरी नहीं है। खुश होने के लिए एक इंसान को दिल से खुश होना चाहिए, यानी दिल से सुखी रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि पैसा कभी भी आपको सुख यानी कि खुशी नहीं दे सकता। जो असली खुशी है, असली आनंद है, वो एक दूसरे की मदद करने में है और वो आपके दिल के अंदर है, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और एक दूसरे की आप जितनी मदद करेंगे, चाहे वो पढ़ाई में मदद करनी हो या किसी की लाइफ के बेटरमेंट के लिए आप उसकी मदद करें, वो मदद आपको असली खुशी देती है। तो इसी अच्छे थॉट के साथ मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।